हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोग ने प्योर बेंडिंग के बारे में देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन मॉडुलस के बारे में जानेंगे और बेंडिंग का जो क्वेश्चन आया था उसका हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सेक्शन मॉडुलस क्या है? सबसे पहले हम लोग सेक्शन मॉडुलस के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। क्या होता है सेक्शन मॉडुलस? इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ वाई एक्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जैसे मान लो ये आपका बीम था, ये आपका बीम था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या था? न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका था न्यूट्रल एक्सिस, ये था वाई एक्स, ये वाई एक्स था आपका। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या था आपका? इस पॉइंट पे सिग्मा मैक्स था, स्ट्रेस ज्यादा था। ठीक है, तो और क्या होगा आपका, तो डिफरेंस क्या होगा इस मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्सिया और वाई मैक्स का जो रेशियो होगा वही आपका क्या होगा? सेक्शन ऑफ मॉडुलस होगा। इस बीम का जो पूरे बीम का मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा और ये जो आपका पूरा वाई मैक्स डिस्टेंस दिख रहा है न्यूट्रल एक्सिस के, उसका अगर रेशियो, उसका रेशियो लेंगे वो आपका क्या कहलाएगा? सेक्शन मॉडुलस कहलाएगा। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको? मोमेंट ऑफ इनर्सिया इन नेचुरल एक्सिस अपॉन वाई मैक्स, ये आपका क्या है? सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो सेक्शन मॉडुलस बेंडिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन मॉडुलस क्या करता है? बेंडिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जितना आपका सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद जेड जो डिपेंड करेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्सिया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया पे डिपेंड करेगा। जेड का जो वैल्यू डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग। तो ये था आपका सेक्शन ऑफ मॉडुलस। ये कैसे आएगा उसको आगे तक बताएंगे, जब एनालिसिस करेंगे उसमें पता चल जाएगा आपका सेक्शन ऑफ मॉडुलस कैसे आया। अब आगे चलते हैं, देखो आगे, देखो यहाँ पे देखो एनालिसिस करेंगे। बेंडिंग इक्वेशन क्या है आपका? एम आर अपॉन आई। एम क्या है आपका मोमेंट है। आई क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। सिग्मा क्या है आपका? बेंडिंग स्ट्रेस है। वाई क्या है आपका? न्यूट्रल एक्सिस से फाइबर का डिस्टेंस है। ई क्या है आपका? मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और आर क्या है? आर आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब देखो लोग केस में क्या है। केस वन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग केस वन में मोमेंट अपॉन इनर्सिया और स्ट्रेस अपॉन न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस को हम लोग एनालाइज करेंगे। पार्ट वन में, केस वन में हमको इसको एनालाइज करेंगे और पार्ट टू में हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपका सिग्मा भी क्या है आपका? बेंडिंग स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई है, आई है, तब क्या होगा? इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। जब ये आपका मैक्सिमम आ जाएगा, ये आपका बीम है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। तो ये सिग्मा स्ट्रेस आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ये आपका टॉप पॉइंट पे होगा। यहाँ पे क्या होता है आपका? मैक्सिमम होता है। कितने डिस्टेंस पे? न्यूट्रल एक्सिस से वाई मैक्स डिस्टेंस पे आपका सिग्मा मैक्स होता है। ठीक है, तो सिग्मा मैक्स अपॉन में वाई मैक्स इक्वल टू एम अपॉन आई एन ए। आई क्या है? ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। ठीक है, अब क्या होगा? वाई मैक्स को हम क्या करेंगे? इधर भेज देंगे, राइट साइड भेज देंगे। तो एम इंटू वाई मैक्स अपॉन आई एन ए, आई एन ए आ गया। तो सिग्मा बी इक्वल टू क्या आएगा? इसको मान लो वाई मैक्स को हम लोग को नीचे लाना है, क्या करेंगे?
इसके नीचे में हम लोग डिवाइड कर देंगे वाई मैक्स को डिवाइड कर देंगे, वाई मैक्स को डिवाइड कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा। जब भी इसको हम कैलकुलेट करेंगे ऊपर जाएगा, तो आई एम अपॉन आर अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्सिया अपॉन में वाई मैक्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कैसे आया, अब देखो आई अपॉन वाई मैक्स क्या कहलाता है, यही जो आपका कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन सेक्शन मॉडुलस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्शन मॉडुलस। कैसे आया सेक्शन मॉडुलस, पता चल गया आपको, सेक्शन मॉडुलस कहां से आया आपका, बेंडिंग इक्वेशन से ही आया है, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन से ही आपका सेक्शन मॉडुलस आया। कैसे आया आपको पता चल गया, तो आपका सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा, आपका मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है आपका, ये आपका एक इक्वेशन आ गया, ये आपका इक्वेशन एक आ गया, ठीक है। कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, मोर दी वैल्यू ऑफ जेड, अगर सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू जेड अगर ज्यादा है, सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा, क्या आएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ भी आपका काफी ज्यादा होगा, ठीक है। और क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा बट क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से देखो, ये आपका क्या है, ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और सेक्शन मॉडुलस में कैसा रिलेशन बन गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन गया 1/z। अब यहां से क्या होगा, अगर सेक्शन मॉडुलस आपका बढ़ता है, बढ़ेगा क्या होगा, बढ़ेगा, ये आपका क्या होगा, घटेगा, बेंडिंग स्ट्रेस घट जाएगा। आपका सेक्शन मॉडुलस अगर कम होता है आपका क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना, यही यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, मोर इज दी सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस अगर ज्यादा है तो मोर विल बी दी मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर गिवन गिवन बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब एक नया पॉइंट और आ गया, देखो आपका अगर सेक्शन मॉडुलस ये आपका ज्यादा रहता है, ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा, आपका क्या आएगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो आएगा वो भी आपका ज्यादा होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ये दो पॉइंट याद रखना है, और यहां से ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो अगला अगला पॉइंट क्या है आपका, केस टू में क्या है, हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्सिया अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये आपका क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, ये आपका लेंथ है, ये मान लो लेंथ है, आर्क का लेंथ है, ये आपका थीटा है, आर है, ये लेंथ कितना होगा, ये एल जो होगा कितना होगा, एल इक्वल टू कितना आएगा, एल इक्वल टू आर थीटा आएगा, आर थीटा आएगा, ठीक है। आर इक्वल टू क्या आएगा, यहां से एल इक्वल टू मान लो एल इक्वल टू आर थीटा आ गया है, एल इक्वल टू आर थीटा है, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एल अपॉन थीटा आ जाएगा, एल अपॉन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो आर है यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग एल बाय थीटा पुट कर देंगे, एल बाय थीटा पुट कर देंगे, एल बाय यहाँ पर थीटा आएगा, ठीक है। थीटा क्या हुआ आपका, ऊपर चला गया, थीटा आपका ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एम अपॉन आर थीटा आपका नीचे आ गया और आई आपका ऊपर चला गया, आई आपका ऊपर चला गया, ई आई अपॉन एल आ गया, ठीक है। उसके बाद के है जब, तो ये मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन में थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस इन बेंडिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ बेंडिंग। पूछेगा क्वेश्चन में पूछ देंगे स्टिफनेस ऑफ बेंडिंग किसको बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन में थीटा, एंगल ऑफ बेंडिंग, ऐसा बोल सकते हैं, एंगल ऑफ बेंडिंग उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ स्टिफनेस ऑफ बेंडिंग बोल देंगे, ठीक है। अब ये जो आपका ई आई है, ई आई आपका क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। सारा चीज देखो यहाँ से बेंडिंग इक्वेशन से ही आ रहा है, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन से ही आपका स्टिफनेस इन बेंडिंग पता चल गया, जिसको हम लोग केस डिनोट करते हैं,
और बेंडिंग इक्वेशन से ही हमको फ्लेक्जर रिजिडिटी भी पता चल गया। ठीक है ठीक है, अब देखो हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहले सबसे पहले हम लोग शियर के बारे में जानेंगे। शियर क्या आता है? पिछले लेक्चर में भी आपको फर्स्ट यूनिट में ही, थर्ड यूनिट में आपको शियर के बारे में अच्छे से बताया गया था। तो शियर क्या होता है आपका? शियर क्या होता है? शियर के बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले शियर क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी है। अगर मान लो इस पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण जो डेवलप होगा, जो फोर्स डेवलप होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शियर कहेंगे। शियर क्या होता है? किसी बॉडी पर अगर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शियर कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये आपका बॉडी है, ये आपका पूरा बॉडी है, 3D में दिख रहा होगा। ये आपका क्या है? न्यूट्रल। ये आपका क्रॉस सेक्शन ले लो, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन है। ठीक, ये आपका क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। इसको आपको ऐसे दिखाया गया है 2D में, ऐसे दिखाया गया है 2D में। ये आपका क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, अब देखो इस बॉडी पे मान लो, इस बॉडी को मान लो, ये बॉडी आपका क्या है? ये बॉडी मान लो कुछ इस टाइप का है, ऐसा देखो कुछ इस टाइप का है, मान लो इस टाइप का है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। ये मान लो कुछ इस टाइप का बॉडी है, कुछ इस टाइप का बॉडी है आपका। ठीक है, इस टाइप का बॉडी है, इस टाइप का बॉडी है आपका। ठीक, इस टाइप का बॉडी है। यहाँ पे मान लो, अगर मान लो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, मान लो इस पर लोड लगा रहे हैं, इस पर मैंने लोड लगाया। लोड लगाने के कारण क्या होगा? इस पर मान लो एक स्ट्रेस जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। शियर स्ट्रेस कहाँ कहाँ पर जनरेट होगा? मान लो इस पॉइंट पर जनरेट होगा, इस पॉइंट पर जनरेट होगा, इस बॉडी पर जनरेट होगा। मान लो ये बॉडी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इस बॉडी पे कोई स्ट्रेस जनरेट होगा? इसमें मान लो अगर मैं फोर्स हटा देता हूँ तो इस बॉडी पे कोई स्ट्रेस जनरेट होगा? यहाँ पे कोई स्ट्रेस जनरेट होगा? कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में कोई बॉडी ही नहीं है, तो आपका शियर स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। अगर मान लो हम पूछे कि बॉडी 2 पे आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि बॉडी 2 के ऊपर में आपका बॉडी 1 है, बॉडी 1 के कारण आपका क्या होगा? इसमें शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, आप पूछेंगे कि मान लो किस बॉडी थर्ड पे आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, बिल्कुल होगा। तो किस किस बॉडी के कारण होगा? बॉडी 1 और बॉडी 2 के कारण आपका इस पे शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह 4 पे भी आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो न्यूट्रल एक्सिस से एभव आपका, उस पर कोई बॉडी है, कोई फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी है, तभी आपका जाकर वहां पे शियर स्ट्रेस आपका जनरेट होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, वाई डिस्टेंस पे क्या किया मैंने? वाई डिस्टेंस पे ये आपका एरिया लिया, शेडेड एरिया है, ये आपका पूरा एरिया है, शेडेड एरिया है। ठीक है, ये आपका वाई मैक्सिमम है, वाई मैक्सिमम है, ये आपका वाई मैक्सिमम है, ये आपका शियर स्ट्रेस हो गया, ये शेडेड एरिया हो गया, शेडेड एरिया हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये आपका वाई मैक्स है। ठीक है, ये आपका ईएफ पॉइंट है, ईएफ पॉइंट है। टोटल डेप्थ क्या है आपका? टोटल डेप्थ डी है, इस बीम का टोटल आपका विड्थ डी है। ठीक है, अब देखो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये आपका क्या है? देखो लेट अस कंसीडर ए सेक्शन, मैंने एक सेक्शन ले लिया, एक सेक्शन एक्स एक्स ले लिया। जैसे मान लो ये आपका बॉडी था, ये मान लो आपका बॉडी था, ये आपका बॉडी था। इस बॉडी पे क्या किया मैंने? एक सेक्शन ले लिया, एक सेक्शन ले लिया, एक्स एक्स सेक्शन। ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन ले लिया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मान लो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है कुछ, यहाँ पे मान लो इस बॉडी का भी न्यूट्रल एक्सिस होगा। ठीक है,
ये मैंने क्या किया, एक एक्स एक्स सेक्शन लिया, एक वाई वाई सेक्शन लिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे था, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस है। और क्या किया मैंने, वाई डिस्टेंस पे, जैसे वाई डिस्टेंस पे मैंने ये इसका एरिया ले लिया था, ये वाई डिस्टेंस पे मैंने, ये आपका ये वाई डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस पे ये आपको शेडेड दिख रहा है, ये शेडेड दिख रहा है, ये शेडेड वाला, इस एरिया को हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। एक सेक्शन एक्स एक्स लिया और दूसरा सेक्शन वाई वाई लिया। एक्स एक्स सेक्शन कहने का मतलब, यहाँ से मान लो तुम इस बॉडी को कट कर दे तो आपका कैसा दिखेगा, इस टाइप का ही पूरा बॉडी दिखेगा, क्योंकि ये पूरा आपका प्रिज्मेटिक बॉडी है, ठीक है, ये आपका एजप्शन ही है, ठीक है। दो सेक्शन मैंने लिया, दोनों सेक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये दोनों सेक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका dx है, क्या है dx है, ठीक है, ठीक है। जब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, जब इसका हम बेंडिंग मोमेंट, मान लो कोई यहाँ पर लोड भी लग रहा है, मान लो इस पर यूडीएल या यूबीएल लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है, मान लो यूडीएल लोड लग रहा है, इस पर पूरा यूडीएल लोड लग रहा है, पूरा यूडीएल लोड लग रहा है, यूडीएल लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा आपका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट कुछ इस टाइप का बनेगा, नीचे में जगह नहीं है, कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा आपका, जो सेंट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट जो होगा, यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, ठीक है, पीछे बताया था जैसे, ठीक है, जिसका शियर फोर्स एफ है, जिसका शियर फोर्स एफ है, ठीक है। उसके बाद शियर स्ट्रेस ऑन फाइबर ई एफ, ई एफ जो ई एफ फाइबर है आपका, ई एफ फाइबर जो है ये आपका ई एफ फाइबर है, ठीक है, विच इज लोकेटेड डिस्टेंस एट वाई डिस्टेंस पे, आपका वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है, जो न्यूट्रल एक्सिस से एबव है, जो न्यूट्रल एक्सिस से आपका एबव है। टाउ जो होगा आपका, ये टाउ जो होगा, ये आपका टाउ जो होगा वो आपका क्या आएगा, एफ इंटू ए इंटू वाई अपॉन आई बी, ठीक है। बी क्या है आपका, ये आपका विड्थ है, आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, एफ क्या है आपका शियर फोर्स है, आपका शियर फोर्स है, शियर फोर्स है, ए क्या है आपका एरिया है, और वाई बार क्या है आपका, वाई बार ये आपका सेंटर पे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये आपका न्यूट्रल एक्सिस से सेंट्रल तक का डिस्टेंस है, सेंट्रल तक का डिस्टेंस है, ठीक है। टाउ इक्वल टू कहते हैं शियर, ठीक है, ये आपका क्या है शियर फोर्स, ये टाउ क्या है आपका, टाउ क्या है आपका शियर, शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब देखो जो जो फॉर्मूला जो हमने लिखा था टाउ के, तो वो कैसे आया उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। जो आपका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था आपका टाउ इक्वल टू एफ अपॉन, एफ अपॉन वाई मैक्सिमम, ये था ना एफ अपॉन, एफ अपॉन वाई मैक्सिमम ए, ए अपॉन में आई इंटू बिट, ये आपका क्या था शियर का फॉर्मूला। आप देखो ये कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक है, इसको थोड़ा हम ड्राइव करेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे, छोटा सा पार्टिकल ले लेंगे, मान लो ये आपका छोटा सा पार्टिकल यहाँ से ले लो, छोटा सा एरिया ले लो आप, ठीक है, ये छोटा सा बीम ले लिया मैंने, ये छोटा सा एरिया जिसका, जिसका इसका एरिया, इसका एरिया क्या है, ये इसका एरिया आपका डी ए एरिया है, ठीक है, डी ए एरिया है। अब क्या करेंगे, ये मान लो छोटा सा पार्टिकल है, ये छोटा सा पार्टिकल है, ये छोटा सा आपका बीम है जिसका एरिया क्या है, जिसका एरिया डी ए है, ठीक है। इस पर क्या होगा आपका, इस पर मान लो एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स एफ टू लग रहा है, इधर से मान लो आपका एक एफ टू फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस पार्टिकल को मान लो इधर से भी आपका एक एफ वन फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस दोनों फोर्स के कारण क्या होगा, इस दोनों फोर्स के कारण क्या होगा, इसमें आपका एक शियर फोर्स डेवलप होगा, इसमें क्या होगा आपका शियर फोर्स डेवलप होगा, शियर फोर्स डेवलप होगा। इस शियर फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट आपका शियर फोर्स लगेगा, अपोजिट शियर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब बॉडी को बैलेंस करने के लिए पूरा इसके अपोजिट इस साइड से आपका शियर फोर्स लगेगा और आपका इधर से आपका इस साइड से शियर फोर्स लगेगा, ठीक है, समझ गए। इस फोर्स के कारण क्या हुआ, इसमें आपका एक शियर फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है। अब इसका पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ये होगा एफ वन, एफ वन
प्लस में क्या आ जाएगा, शियर फोर्स आपका जनरेटर टाउ इंटू डी ए, इसमें आपका शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस टाउ से जनरेट किए, और ये छोटा सा एरिया है, इस छोटा सा एरिया जो है ये आपका डी ए है, ठीक है। इस दोनों फोर्स के कारण आपका इसमें क्या हो रहा, शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, एफ प्लस टाउ इंटू डी ए इक्वल टू एफ टू। अब देखो ये बैलेंस हो गया, ठीक है, अब देखो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ये क्या आएगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका F2, F2 पूरा क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन था F1 प्लस टाउ डी ए, डी ए टाउ डी ए इक्वल टू F2, ये क्वेश्चन आया। F2 इक्वल टू क्या आया अपना, ये मान लो F2 को हम इधर ले आए, F1 माइनस F2 इक्वल टू टाउ डी ए आएगा, ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखो डी ए जो है ये स्मॉल एरिया है, जो मैंने स्मॉल छोटा सा ये मान लो छोटा सा एरिया लिया था, स्मॉल एरिया लिया था, ठीक है। इसका लेंथ क्या था आपका, लेंथ क्या था आपका डी एक्स था, लेंथ डी एक्स था, ठीक। और इसका विड्थ कितना था, विड्थ कितना था, मान लो ये आपका इस टाइप का थ्री डी में बना हुआ है, ठीक है, विड्थ था इसका b, लेंथ dx था और विड्थ आपका b था, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे देखो, f2 माइनस f1, ये गलत लिखा गया है, ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा f2 माइनस f1 इक्वल टू tau da आएगा, ठीक है, क्योंकि इस f1 को हम इस साइड भेजे हैं, f1 को हम इस साइड भेजे हैं तब जाके नेगेटिव हुआ, तो ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ये आपका f1। अब tau का देखो, टाउ एज इट इज रह जाएगा, अब स्मॉल एरिया का क्या होगा, स्मॉल एरिया का यहाँ पे एरिया का क्या होता है, लेंथ टू विड्थ होता है, क्योंकि रेक्टेंगल है, ये आपका डी एक्स इंटू बी आ जाएगा, डी एक्स इंटू बी आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, ये आपका एफ टू माइनस एफ वन क्या है, एफ टू माइनस एफ वन क्या आ जाएगा आपका डी एफ आ जाएगा, डी एफ इक्वल टू डी एफ आ जाएगा इक्वल टू tau into dx into b आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से tau क्या आएगा, tau equal to df upon dx into b आ जाएगा, ठीक है, tau इस दोनों को हम लोग क्या किया इधर नीचे भेज दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, df स्मॉल फोर्स का क्या होता था, सिग्मा into da, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्मॉल स्मॉल ये स्मॉल बॉडी के लिए, ये स्मॉल बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए है, ठीक है, ये इस बॉडी के लिए था, इस बॉडी के लिए है, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है, अपॉन में डी एक्स इंटू बी, ये आपका पूरा विड्थ है, जो बीम का पूरा विड्थ दिया हुआ था वो है, ठीक है। अब देखो सिग्मा का वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट किया था, वो क्या था आपका dm upon i into y into da, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था, पीछे जाके देखिएगा लेक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे में क्या dx into b, ठीक है। अब क्या था आपका, अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये i आपका नीचे आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा dm, ये आपका क्या आएगा dm dm अपॉन में dx into y into da, i आपका नीचे आ गया, i into b आ गया, ठीक है। dm अपॉन dx जो है आपका है dm अपॉन dx, इसी को तो हम लोग शियर फोर्स बोलते थे जब हम लोग थर्ड यूनिट पढ़े थे, थर्ड यूनिट में आपको बताया गया था स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट को हम लोग क्या बोलते थे, शियर फोर्स बोलते थे, शियर फोर्स स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट का आपा हम लोग क्या बोलते थे शियर फोर्स। dm अपॉन dx क्या आएगा आपा शियर फोर्स आ जाएगा, शियर फोर्स को हम लोग b से डिनोट करते हैं, b आ जाएगा b से, या आप f से डिनोट कर दे, बात बराबर ही है, आप f इसको क्या मान लो, f आपका शियर फोर्स है, या इसको आप b से डिनोट कर दे,
ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका वी इंटू वाई इंटू डी ए अपॉन में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू बी। ठीक है, ये आपका स्मॉल एरिया का था, जब इसको हम पूरा एरिया ले लेंगे तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका बी इंटू वाई मैक्सिमम, मैक्सिमम लेंगे वाई, ये वाई था क्या, वाई अपना स्मॉल एरिया के लिए था, ये वाई आपका स्मॉल एरिया, जैसे ही हमने पूरा एरिया लेंगे तो ये आपका वाई मैक्सिमम आ जाएगा, वाई मैक्सिमम को हम लोग वाई बार से डिनोट करते थे, ये एरिया आपका पूरा आ जाएगा, ये आपका आई इंटू बी आ जाएगा, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही फॉर्मूला हम लोग को ड्राइव करना था, ये देखो यहाँ से ड्राइव कर गया, ड्राइव करके मिल गया, यही फॉर्मूला हम लोग ने ड्राइव किया था। ठीक है, समझ में आ गया कि टाउ का फॉर्मूला कैसे आया, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे आएगा, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला कोटिंग आता है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको शियर फोर्स वगैरह दे दिया जाएगा, एरिया दे दिया जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया जाएगा, आपका विड्थ दिया गया बीम का, उसके बाद आपको शियर फोर्स दिया रहेगा, सीधा आपको शियर स्ट्रेस बोलेगा निकालने के लिए, यहाँ से आप शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखो इसमें देखो ये जो आपका नोटेशन दिया हुआ कि नोटेशन में क्या क्या है, एफ क्या है आपका, एफ आपका शियर फोर्स है। ठीक है, ए क्या है आपका, ए आपका एरिया है बियॉन्ड दी एफ लेवल तक का। ठीक है, वाई बार क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ शेडेड एरिया ए फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से लेके ये वाला एरिया आपका वाई बार है। ए वाई बार क्या है, मोमेंट ऑफ शेडेड, इस मोमेंट इसका जो है, इस मोमेंट ऑफ शेडेड है, फोर्स को हम लोग एरिया को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, मोमेंट ऑफ शेडेड रीजन ए अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा। आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, उसके बाद बी क्या है, विड्थ ऑफ आपका, विड्थ ऑफ द सेक्शन है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए आपका कुछ एजप्शन है, एजप्शन है, एजप्शन क्या है, मटेरियल आपका कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ये हुक्स लॉ का आपका पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। उसके बाद क्या है, दूसरा एजप्शन क्या है आपका, शियर स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंट अलोंग द विड्थ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, शियर स्ट्रेस जो होगा, जो जो बीम का जो शियर स्ट्रेस होगा, ये जो बीम, इस बीम का जो शियर स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस थ्रू द लेंथ, थ्रू द लेंथ आपका क्या कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट मींस शियर स्ट्रेस इज कांस्टेंट फ्रॉम ई टू एफ, जो आप हम लोग ई टू एफ जो लेते थे, यहाँ से एक फर्निटल फाइबर लेते थे, वो ई टू एफ क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो नोट में कुछ लिखा हुआ है, फॉर ऑल shapes of cross section shear stress distribution is parabolic, ठीक है, which is zero at the top and bottom। ठीक है, अब देखो shear stress distribution जो होगा ठीक है, shear stress distribution जो होगा, material क्या था आपका, shear stress distribution, ये आपका क्या है, rectangular section है मान लो। अब देखो next topic चलते हैं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टाउ एफ ए वाई, एफ ए वाई। अब देखो हम लोग यहाँ से रेक्टेंगुलर सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, कैसे आता है, ये आपका शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ अपॉन ए वाई बार अपॉन आई बी। ठीक है, जहाँ पर क्या है आपका, एफ फोर्स है और ए क्या है आपका, शेडेड एरिया है, ये क्या है आपका, इसका पूरा एरिया है, ये आपका पूरा एरिया है, शेडेड एरिया है। ठीक है, आप देखो इस शेडेड एरिया का ये विड्थ कितना होगा, ये आपका विड्थ कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तब तो मेरा पूरा एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे, ये आपका विड्थ कितना है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है आपका वाई डिस्टेंस पे है, ये वाई डिस्टेंस पे है, ये आपका पूरा वाई है, पूरा वाई है। ठीक है, ये पूरा वाई है, यहाँ से यहाँ तक वाई है, और देखो पूरा पूरा डेप्थ क्या है आपका, पूरा डेप्थ डी है, यहाँ से लेके
यहां से लेके यहां तक का लिफ्ट कितना होगा, डी वाई टू होगा, डी वाई टू होगा, ठीक है। तो ये डेप्थ कितना होगा, ये वाला 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 डेप्थ। तो टोटल डी वाई टू माइनस वाई कर देंगे, ये मेरा डेप्थ मिल जाएगा। पूरा क्या है आपका, पूरा डी वाई टू है, पूरा डी वाई टू है, ठीक है। और ये आपका वाई पहले से ही पता है, ये वाई है, ये वाला एरिया निकल जाएगा, डी बाई टू में से वाई कर देंगे तो ये आपका पूरा एरिया आ जाएगा। अब इसका इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया है ये, जो एरिया क्या होगा, ये पूरा बेड इन टू डी वाई टू माइनस वाई, ये जो आपको लिखा हुआ है शेडेड एरिया का, ये पूरा एरिया है, ठीक है। अब देखो वाई बार निकालेंगे, ये वाई बार डिस्टेंस कितना होगा, ये वाई बार कितना होगा, ये वाई बार डिस्टेंस कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये क्या किए हैं हम, देखो ये वाई, ये y, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया निकाले हैं, ये जो हम लोग पूरा निकाले हैं, ये वैल्यू जो निकाले हैं डी वाई टू माइनस वाई, डी वाई टू माइनस वाई का आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, ये वाला आपको नहीं निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। और इसमें क्या करेंगे हम, y को ऐड कर देंगे, तो ये हमको पूरा y बार मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। ये हमको पूरा एरिया, पूरा लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया, पूरा लेंथ कितना था, डी वाई टू माइनस वाई था, डी बाई टू माइनस वाई था, डी बाई टू माइनस को हम लोग हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है आपका, डी बाई टू माइनस वाई अपॉन में वाई बाई टू, वाई बाई टू, ठीक है, वाई बाई टू। ये आपका क्या है, ये आपका पूरा वाई है, ठीक है। तो दोनों का हम इसको और वाई को ऐड कर देंगे तो ये मेरा वाई बार मिल जाएगा, यहीं पर यहाँ पर भी वही किया, देखो डी वाई टू माइनस वाई अपॉन में टू कर दिया है, ठीक है। ये आपका ये वाला एरिया आ गया, प्लस में वाई कर दिया, ठीक है, तो ये पूरा वाई बार आ गया। इसको कैलकुलेट के लिए डी वाई टू प्लस वाई अपॉन में टू आ गया, ठीक है, इतना वैल्यू आ गया। अब देखो इस रेक्टेंगल सेक्शन का, इस रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, बी डी क्यू बाई ट्वेल्व आता है, पहले ही बता चुके हैं आपको काफी बार, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है रेक्टेंगल सेक्शन का, बी डी क्यू बाई ट्वेल्व आता है, ठीक है। बी था आपका दिया हुआ है बी, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, अब आप आगे क्या है, अब टाव के टाव का जो फॉर्मूला था, टाव का जो फॉर्मूला है, इसमें क्या करेंगे, एक एक करके सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, एफ एज इट इज रह जाएगा, फोर्स आपका एज इट इज रह जाएगा, एरिया हम लोग शेडेड एरिया का कैलकुलेट कर लिए हैं, बी इंटू डी बाई टू माइनस वाई, पहले ही कैलकुलेट, वाई बार भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, डी बाई टू प्लस वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू, ठीक है। आई भी क्या है, आई भी कैलकुलेट कर लिया मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर लिया, बी आपका विड्थ ऑलरेडी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद टी इक्वल टू क्या आएगा, एफ अपॉन टू आई, ये आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डी स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आई का वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, एफ आई का वैल्यू पुट करेगा, एफ अपॉन में यहाँ पे मान लो पुट कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 1 बाई 12 इंटू बी डी बी डी क्यू वाई क्या आएगा डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, यही आएगा, यही आएगा, ये 2 2 कैंसिल आएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 आपका ऊपर चल जाएगा, ये आ जाएगा 6f अपॉन बी डी क्यू डी स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, यही y जो आपको दर्शाता है, ये जो y आपको दिख रहा है, ये जो y आपका दिख रहा है y एक्सिस, ये आपको क्या दिखाता है, यही आपको क्या कहता है, इसका वेरिएशन कैसा दिखाता है, वेरिएशन आपको पैराबोलिक दिखाता है, वेरिएशन आपको कैसा दिखाएगा, पैराबोलिक, इसी y स्क्वायर के कारण आपका वेरिएशन कैसा दिखाता है, पैराबोलिक, इस y स्क्वायर के कारण वेरिएशन कैसा दिखाता है, पैराबोलिक, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अब देखो आगे चलते हैं, अगर मान लो शियर स्ट्रेस ऑन द टॉप ऑफ बॉटम फाइबर, अगर मान लो शियर स्ट्रेस आपका टॉप पे है, टॉप है, तो वाई कल टू क्या आ जाएगा, ये जो वाई आएगा पूरा आपका डी बाई टू आ जाएगा, टॉप पे ऊपर गया तो प्लस डी बाई टू और नीचे आ गया तो माइनस डी बाई टू, वाई का वैल्यू यहाँ पे डी बाई टू पुट कर दो, देखो क्या आएगा, टॉप पे शियर स्ट्रेस जीरो आ गया, ठीक है,
डी स्क्वायर बाय फोर डी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो टॉप और बॉटम पे हमेशा क्या होगा, टॉप और बॉटम पे क्या होगा हमेशा, टॉप और बॉटम पे क्या होगा हमेशा सी एस टी का डिस्ट्रीब्यूशन का जीरो होगा वैल्यू। ठीक है, जैसा ही बोलेंगे सी एस टी का वैल्यू टॉप और बॉटम में क्या होगा तो जीरो होगा ऑलवेज, यार उसमें एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो अगला केस क्या है, अगर वैल्यू मान लो कि वैल्यू हमको टाउ मैक्सिमम निकालना है, टाउ मैक्सिमम निकालना है, टाउ मैक्सिमम कहाँ होगा आपका न्यूट्रल एक्सिस पे, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे आपका क्या होगा टाउ मैक्सिमम जीरो होगा। ठीक है, जीरो होगा तो वाई इक्वल टू क्या करोगे आप, अब इस न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना है तो ये वाई का वैल्यू क्या करोगे हम लोग जीरो पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा एफ अपॉन टू आई डी स्क्वायर माइनस जीरो, ये आप वाई पे यहाँ क्या करिए वाई पे वाई का वैल्यू आपने जीरो पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ गया जीरो का स्क्वायर करके जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो टाउ मैक्सिमम कितना आ गया आपका एफ डी स्क्वायर अपॉन में एट अपॉन वन ट्वेल्व बी डी क्यू आ गया। ठीक है, बी डी क्यू आ गया, टाउ मैक्सिमम क्या आ गया आपका, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे जब टाउ मैक्सिमम एफ बाई डी स्क्वायर एट एट आई आया, यहाँ पर आई का वैल्यू आप पुट कर दोगे ऑलरेडी पहले से ही पुट कर दो आई का वैल्यू। ठीक है, आई का वैल्यू क्या है बी डी क्यू बाय ट्वेल्व, यहाँ पे देखो पुट किया है क्या वैल्यू आया आपका टाउ मैक्सिमम इक्वल टू थ्री बाय टू एफ अपॉन बी डी, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से देखो कट करोगे कि चार दुनिया आठ चार तिया बारह, ठीक है तीन ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये डी स्क्वायर ये डी कट जाएगा आपका क्या बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा थ्री बाय थ्री आपका ऊपर चला गया थ्री एफ अपॉन में टू बी डी आ गया। ठीक है, टाउ मैक्सिमम क्या आएगा थ्री बाय टू एफ अपॉन बी डी आ गया। ठीक है, अब देखो लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स जब हम लोग निकालेंगे उसमें क्या करेंगे डी टाउ बाय जो मिनिमम वैल्यू आ गया वही मेरा तो लोकेशन होता, जब भी हम किसी चीज का लोकेशन निकालते हैं उसको क्या करते हैं डी मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज मिनिमम वैल्यू लेते हैं, तो डी टाउ बाय डी वाई इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो वाई इक्वल टू जीरो पर क्या आएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस पे क्या आएगा टाउ मैक्सिमम आएगा। ठीक है, टाउ मैक्सिमम आएगा। ठीक है, इसी से टाउ मैक्सिमम आया था, इसी कारण यहाँ से हम लोग टाउ मैक्सिमम का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। टाउ मैक्सिमम का वैल्यू कितना आया याद रखना थ्री बाय टू एफ अपॉन बी डी आया है। ठीक है, अब देखो सीरेसिस डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगल सेक्शन है, पांचवा रिलेशन क्या है टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज में रिलेशन क्या है, टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज में रिलेशन क्या है, टाउ मैक्सिमम का हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं थ्री एफ बाय टू बी डी। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे टाउ एवरेज निकालेंगे, टाउ एवरेज कैसे निकालेंगे, टाउ एवरेज हम लोग निकालते हैं ये जो आपका डायग्राम था, ये जो डायग्राम था ये फॉर बेंडिंग के लिए था, फॉर बेंडिंग के लिए था। ठीक है, फॉर बेंडिंग के लिए था ड्यू टू मोमेंट। ठीक है, टाउ जो एवरेज निकालते हैं वो हम लोग ड्यू टू ट्रांसवर्स लोड के कारण निकालते हैं, और इसका जो डायग्राम होता है सी स्ट्रेन डायग्राम होता है वो कैसा आता है वो आपका लीनियर होता है, वो आपका लीनियर होता है, ट्रांसवर्स लोड के कारण निकालते हैं हम लोग सी एस टी का डायग्राम कैसा आता है लीनियर आता है। टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा सीयर फोर्स इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया क्या है एरिया आपका फोर्स अपॉन एरिया क्या आता है बी इंटू डी आता है। ठीक है, टाउ एवरेज क्या आ गया आपका एफ अपॉन बी डी आ गया, टाउ मैक्सिमम क्या आपका थ्री अपॉन टू अपॉन एफ अपॉन बी डी आ गया। ठीक है, ठीक है, इसका एक रिलेशन आ जाता है आपका टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज का, जब इसको कैलकुलेट करेगा आपस में डिवाइड करोगे ये आपका टाउ मैक्सिमम अपन टाउ एवरेज कितना आएगा 1.5 आएगा, तो जब भी आपको पूछेगा टाउ मैक्सिमम टाउ एवरेज का कितना गुना होता है तो आपका 1.5 गुना होता है, ये काफी ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका स्ट्रेस शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम के बारे में जानेंगे, उस क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।